जी हाँ, टीम इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट। अतुल भाई मेरे साथ हैं, लेकिन सामने है न्यूजीलैंड की टीम, जिसके खिलाफ टीम इंडिया को खेलने के बाद मिल जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी है जो टीम इंडिया को उसके सामने आई है, जो टीम इंडिया को झेलना है, और वो है खराब मौसम। फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुरू होने में देरी होगी। सुबह से लगातार वहां पर बारिश हो रही है साउथहैम्पटन में। आपको बता दें कि लॉर्ड्स के हटाकर अब साउथहैम्पटन में यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया था, लेकिन आज सुबह से लगातार वहां पर बारिश हो रही है। मैदान और पिच पर कवर्स डाले हुए हैं और अभी भी वहां पर बारिश हो रही है, यानी कि टॉस होने में भी देरी होगी। पहला सेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर भी फिलहाल जो है आशंका जताई जा रही है। ये देख रहे हैं आप साउथहैम्पटन से तस्वीरें, ये लाइव तस्वीर है वहां पर, ये टीम इंडिया के होटल बालकनी जो कि बिल्कुल मैदान से सटा हुआ है, वहां से ली गई तस्वीरें हैं। अश्विन की बीवी प्रीति नारायण ने ये तस्वीरें ट्वीट करी हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा कवर्स है, काले बादल वहां छाए हुए हैं और पूरा का पूरा स्क्वायर साउथहैम्पटन का ढका हुआ है। लगातार सुबह 7 बजे से यहां पर बारिश हो रही है, आज कम से कम 4 से 5 घंटे बारिश होने की उम्मीद है। और साउथहैम्पटन में फिलहाल सिनारियो ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद पहला दिन, पूरा पहला दिन कहीं धुल ना जाए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बिल्डअप बहुत बेहतरीन हुआ, विराट कोहली और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए केन विलियमसन जो है आमने सामने होंगे, और इसके बीच फिलहाल अभी खराब मौसम की वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद पहले दिन का खेल पूरी तरह बारिश से धुल ना जाए। आपको बता दें कि यह है इंग्लैंड, इंग्लैंड में साउथहैम्पटन डब्ल्यूसी फाइनल में 5 दिन ही लगातार बारिश के आसार हैं। और आपको यह बता दें कि हालांकि आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए एक रिजर्व डे जरूर रखा है, 4 से 5 सेशन बारिश की वजह से खराब हो सकते हैं। आज सुबह से लगातार वहां बारिश हो रही है और आईसीसी ने इसका आशंका जताते हुए रिजर्व डे तो जरूर रखा है, लेकिन क्या वो भी कम ना पड़ जाए जिस तरीके के यहां पर वेदर का फोरकास्ट अगर आप देखें तो आज पहला दिन मैच के दौरान 4 घंटे बारिश होने का अनुमान है। 19 जून यानी कि दूसरा दिन सुबह बारिश का अनुमान, दोपहर में धूप खिलेगी तो यानी कि थोड़ा बहुत खेल वहां पर हो पाएगा। 20 जून तीसरा दिन, पूरे दिन बादल लगातार छाए रहेंगे, बारिश का भी अनुमान है। चौथे दिन 21 जून बादल छाए रहेंगे, बारिश का अनुमान उस दिन नहीं है, लेकिन 22 जून पांचवा दिन मैच के दौरान थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार वहां पर पांचों दिन जो है बारिश के अनुमान लगे हुए हैं। अतुल भाई मेरे साथ हैं। अतुल भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बहुत बेहतरीन बिल्डअप किया, लेकिन शायद आईसीसी ये भूल गई कि वेदर का फोरकास्ट इंग्लैंड में खासतौर पे आपको हमेशा देखना चाहिए। भी क्या देखेंगे, अगर वहां देखते रहेंगे तो इतना लंबा तो आप फोरकास्ट कर नहीं सकते। पर इतने साल हो गए मुझे क्रिकेट छोड़े, पर अब जब भी ऐसे विजुअल्स नजर आते हैं ना, थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है। और मैच से पहले ऐसा मौसम हो, पता लगे खेले ना खेले, खिलाड़ी जो अपना बिल्डअप करता है टू रीच द पीक, मैच से पहले वार्म अप शुरू करता है, उसको पता ही नहीं कि कब जाना पड़ जाए, तो मज़ा नहीं आता ऐसे में। और फैंस बड़े दिन से इंतजार कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम मैच खेली नहीं है और इतना बड़ा ओकेजन है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुझे लगता है कि दोनों ही कैप्टन ग्रेट्स हैं और अलग अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, तो बड़ा मज़ा आने वाला था इस टीम में, इस मैच में। हालांकि न्यूजीलैंड को थोड़ा सा एज है क्योंकि 2 मैच वो पहले इंग्लैंड के खिलाफ जीत चुकी है, पर भारतीय टीम भी तैयार है। जी हाँ, भारतीय टीम बिल्कुल तैयार है और खुद कप्तान विराट कोहली इस मैच के बारे में क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुना देते हैं। बोला ये एक वन ऑफ टेस्ट के लिए नहीं आया हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे 6 टेस्ट मैच खेलने के लिए आए हैं इंग्लिश समर एंड होने तक, और वो 6 में से पहला टेस्ट होने वाला है। और जैसे मैंने बोला, आप एक टेस्ट जीतने के बाद ऐसा नहीं है कि अपना या तो पूरा टीम प्लान बदल देंगे या टीम कॉम्पोजिशन बदल देंगे या खेलने का तरीका बदल देंगे। हमारे प्लेयर्स को बहुत अच्छे से पता है उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है और कैसे उन स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करना है, और वो करेंगे ये 6 टेस्ट मैचेस के पीरियड में। तो हम जो सोच रहे हैं बहुत अलग है, बाहर जो लोग उसको परसीव कर रहे हैं बहुत अलग है, तो अभी उसमें मेरे को बहुत डिवाइड फील हो रहा है, तो शायद मैं उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। लेकिन जैसे मैंने बोला, हम लोग सिर्फ एक प्रोसेस जो हमने क्रिएट किया है एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करने का, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, और यही एक रीज़न है जहाँ पे ऋषभ पंत जैसे प्लेयर या रोहित जैसे प्लेयर या शुभमन जैसे प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में क्रूशल मोमेंट्स में उन्होंने अटैकिंग इनिंग्स खेली और टेस्ट मैच जिताए, जहाँ पे बाहर लोगों को लग रहा था कि शायद ड्रॉ कर लें या बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं इसी डिवाइड की बात कर रहा हूँ कि हमें पता है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स कहाँ यूटिलाइज करनी है और हमारा क्या माइंड सेट है इस टूर पे। ये एक टेस्ट मैच के बाद क्रिकेट हमारे लिए रुकेगी नहीं, हम यहाँ पे 6 टेस्ट मैच की प्रिपरेशन करके हैं।
तो सुना आपने कप्तान विराट कोहली ने क्या कहा कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को एकमात्र टेस्ट मैच नहीं जबकि इंग्लैंड में खेले गए 6 टेस्ट मैच यानी कि एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 टेस्ट मैच को इकट्ठे एक 6 टेस्ट मैच की सीरीज को लेकर चल रही है और वो चाहती है कि हर टेस्ट मैच टीम इंडिया जीते। लेकिन अगर आपको जीतना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कप्तान विराट कोहली का फायर करना। आज की तारीख में विराट कोहली से बड़ा कोई बल्लेबाज नहीं है। टक्कर जरूर है केन विलियमसन के साथ और इसीलिए यह सेंटर स्टेज बना हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई है कप्तान विराट कोहली और कप्तान केन विलियमसन की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले विराट कोहली के इस फोटो सेशन ने फैंस के बीच रंग तो जमा दिया है, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ किंग कोहली सेशन दर सेशन रन जमाएंगे, शतक लगाएंगे। 573 दिन से शतक से सूखे जूझ रहे कैप्टन कोहली की प्रिपरेशन जोरों पर है। इंग्लैंड की पिचों पर बाउंसर पर डक करने की प्रैक्टिस हो या फिर स्विंग और स्पीड का मुंह तोड़ जवाब देना हो, कोहली हर चैलेंज के लिए खुद को मजबूत बना रहे हैं। दुनिया भर में एक ही चर्चा गर्म है कि कोहली को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है केन विलियमसन। पर स्टैट्स तो फिलहाल विराट के बेहतर नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड में WTC का फाइनल है जहां विराट का औसत 36 का है तो विलियमसन का 26 का। विराट ने टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 51 की औसत से रन बनाए हैं, वहीं विलियमसन का भारत के खिलाफ औसत 36 का है। विराट कोहली और स्टीव स्मिथ के 27-27 टेस्ट शतक हैं। मौजूदा वक्त में विदेश में विराट के सबसे ज्यादा 14 टेस्ट शतक हैं। अतुल भाई, स्टैटिस्टिक्स तो साफ बताता है कि विराट से बढ़िया कोई नहीं, लेकिन अभी भी इतना समय हो गया है लेकिन विराट का एक शतक हमको देखने को नहीं मिला। देखिए, हाँ, मुझे लगता है कि जो पीक थी उनकी वो अभी नहीं है, पर क्या पता वापस आ जाए, जैसे खुद मान रहे हैं। पर मुझे एक थोड़ी सी निराशा है कि विराट इस टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को उस तरह से बिल्डअप नहीं कर रहे जितना कि हम चाह रहे हैं, क्योंकि ठीक है 6 टेस्ट मैच खेलने हो सकता है कि विराट अपने आप पे ज्यादा प्रेशर ना ले रहे हो। बिल्कुल, पर विराट ऐसे खिलाड़ी नहीं है कुछ ऐसा करते हैं। मुझे लगता है क्योंकि फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही, शायद थोड़ा सा एक नॉच नीचे आने को बोला गया है, शायद उनका मन नहीं मानता, क्योंकि अगर जब आप अच्छा नहीं कर रहे होते और आप एकदम अग्रेसिव हो जाते हो तो फिर अगर फिर फेल हो जाओ तो फिर थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। तो मुझे लगता है कि इसको बिल्डअप करना चाहिए कि ये टेस्ट चैंपियनशिप है, क्योंकि पहली बार हो रहा है ऐसे। वो दौर और था जब क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडीज ने 80s में डोमिनेट किया, स्टीव वॉ की 90s में और इनविंसिबल थे जो डॉन ब्रैडमन के। पर अब ये जो दौर है ये डिसाइड होगा आप टेस्ट चैंपियनशिप, और आज तक दोनों ही कप्तानों के पास कोई टाइटल नहीं है वर्ल्ड टाइटल, तो इसका प्रेशर उनको दिखाना चाहिए था। प्रेशर तो उनका साफ दिख ही रहा है विराट कोहली पर अतुल भाई एक चीज और है कि सिरा पर ये पैसों की बिल्कुल भी, मुझे लगता है आपने दिखाया इसकी बिल्कुल किसी ने मेंशन नहीं किया किसी ने, और मुझे लगता है खिलाड़ियों के मन से तो ये दूर है बहुत। आजकल के जमाने के IPL के खिलाड़ी हैं और टेस्ट चैंपियनशिप की जो टाइटल जो ट्रॉफी है, और विराट का अगर आप CV देखें तो सिर्फ एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप या वर्ल्ड टाइटल उस पर मिसिंग है। अगर ये मिल जाए तो उनका CV कंप्लीट हो जाएगा। वैसे CV कंप्लीट करने की बात यहाँ पर अतुल भाई ने करी, आपको ये बता दें कप्तान विराट कोहली का ट्रॉफी कैबिनेट जो है वो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है। ICC का कोई ट्रॉफी उनके कैबिनेट में नहीं है। उम्मीद हम ये करते हैं कि शायद ये पहली ट्रॉफी जो उनके कैबिनेट में होगी वो होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि जब विराट कोहली आज टॉस के लिए उतरेंगे, जब भी उतरेंगे, अगर जब बारिश खत्म हो जाएगी और जब भी टॉस के लिए उतरेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। सबसे ज्यादा टेस्ट कप्तान के रूप में अगर टीम इंडिया के लिए कोई उतरा है तो अब तक था महेंद्र सिंह धोनी, अब बन जाएंगे विराट कोहली। लेकिन अतुल भाई, कप्तान विराट कोहली की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो विराट के अलावा जो बड़े बल्लेबाज हैं, हमने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीता, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती, लेकिन सब में हमने एक कॉमन फैक्टर देखा है, टॉप ऑर्डर फायर नहीं कर रहा है। ठीक है, दिक्कत हुआ है, पर मुझे लगता है कि इससे पहले आपने बात की, मैं बता दूं दर्शकों को, शायद ज्यादा पता नहीं है कि इस मैच में एक अतिरिक्त दिन भी दिया गया है। तो बारिश का आप बता रहे थे, पर 23 जून एक बोनस है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस टेस्ट मैच का रिजल्ट निकले। हालांकि आपने टॉप ऑर्डर की बात की, जब ऐसी कंडीशंस होगी तो न्यूजीलैंड को अगर गेंदबाजी मिल गई तो मुसीबत तो होने वाली है, क्योंकि उनके पास अलग अलग तरह के गेंदबाज हैं। मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट और वैगनर और सऊदी के साथ जैमिसन जो 6 फुट 8 इंच के, तो ऐसे मौसम में हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर नई गेंद से अच्छी पीच में पारियां हुई, पर जो कहते हैं ना कि बिग स्टैंड आपको बचा लेता है, वो कई बार गड़बड़ हो जाती है। पर
मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कि वैसा चलता रहेगा अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और मुझे लग रहा था कि शायद बड़ा मुश्किल डिसीजन है कि मयंक अग्रवाल की जगह शुभमन गिल को खिलाना। शुभमन गिल को खिलाया है क्योंकि टीम इंडिया ने अपना प्लेइंग 11 का ऐलान तो कर ही दिया है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर अतुल भाई ने बताया कि बॉलर्स को अच्छी खासी मदद मिलेगी, कंडीशंस ऐसे हैं और ऐसे में एक माना यह जाता है कि बॉलर्स ही टेस्ट मैच का आउटकम डिसाइड करेंगे, लेकिन उस मामले में भी कप्तान विराट कोहली काफ़ी ब्लेस्ड हैं क्योंकि उसके पास है एक ऐसी बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स जो दुनिया में किसी भी बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर सकती है। इंग्लैंड में खेले 12 टेस्ट में ईशांत ने 43 विकेट लिए हैं, यानी हर मैच में औसत 3 से ज्यादा विकेट। साउथहैम्पटन की बात करें तो ईशांत ने यहां एक टेस्ट में 4 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड में गेंद स्विंग होती है और इसके महारथी हैं मोहम्मद शमी, जिनका इंग्लैंड में रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इंग्लैंड में खेले 8 टेस्ट में मोहम्मद शमी ने 21 विकेट लिए हैं, साउथहैम्पटन में 2 टेस्ट में उनके 7 विकेट हैं। 50 टेस्ट के करियर में शमी 180 विकेट ले चुके हैं। इंडिया की तेज गेंदबाजी की तिकड़ी को पूरा करते हैं जसप्रीत बुमराह, जो तीनों फॉर्मेट में मिलाकर पिछले 5 साल में इंडिया के बेस्ट बॉलर हैं। बुमराह ने 5 साल में भारत के लिए सबसे ज्यादा 229 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड में उन्होंने एक सीरीज खेली है जिसमें 3 टेस्ट में उनके 14 विकेट हैं। साउथहैम्पटन में एक टेस्ट में बुमराह ने 4 विकेट निकाले हैं। आपको बता दें फिलहाल साउथहैम्पटन में लगातार बारिश हो रही है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है साउथहैम्पटन में, और टॉस होने में भी देरी होगी और बिल्कुल जो टेस्ट मैच शुरू होना था दोपहर के 3 बजे वो भी टाइम पर शुरू नहीं होगा, लेकिन जब भी ये टेस्ट मैच शुरू होगा कुछ ऐसे बैटल्स हैं जो डिसाइड करेंगे अतुल भाई कि ये टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीतेगा। हमने यहाँ पर गेंदबाजों की बात करी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ डोवान कॉनवे, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म में है न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के लिए, और उनके सामने जब जसप्रीत बुमराह बॉल डालेंगे आपको लगता है कि वो बैटल डिसाइड करेगा कि अर्ली एडवांटेज किसको मिलेगा? नहीं, मुझे लगता है मैंने काफ़ी एनालिसिस किया और आप ये मान लें कि केन विलियमसन को छोड़ के ऐसा कोई मुझे वर्ल्ड क्लास लेजेंड नज़र नहीं आता, तो ये एडवांटेज है हमारी। इस बार 5 गेंदबाज खेल रहे हैं, बहुत लोग कह रहे थे कि शायद जडेजा को नहीं खिलाना चाहिए, हनुमा विहारी को खिलाएं, पर अब 5 प्रॉपर गेंदबाज हैं आपके पास, तो 5 गेंदबाजों तो 20 विकेट निकालने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं और 20 विकेट निकाल के ही आप टेस्ट मैच जीते हैं। हालांकि आपने कॉनवे की बात की, 100 बनाया डेब्यू में, पर अभी उनको आंकने के लिए मैं और देखना चाहूंगा, तो मुझे लगता नहीं कि ये की बैटल है। की बैटल कौन सा है? काइल जेमिसन वर्सेज रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, ये है क्योंकि 6'8" के गेंदबाज है, 6 मैचेस में 36 विकेट निकाल चुके हैं और उनको हैंडल करना, अगर बॉल सीम की, सीम वो होती है जो टप्पा खाने के बाद इंग्लैंड में बॉल हिलता है, काफी कंट्रीज में ऐसा होता नहीं है, हवा में स्विंग होती है और सीम होती है टप्पा खा के बॉल जब हिलती है, तो उस सीम को कैसे संभालेंगे ये डिसाइड करेगा। या मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि जब काइल जेमिसन आईपीएल खेल रहे थे विराट कोहली के टीम में ही थे अतुल भाई, और वो ड्यूक का बॉल अपने साथ लेके चल रहे थे, हाँ। और जब विराट कोहली ने कहा केएल जेमिसन को कि क्या आप मुझे ड्यूक के गेंद से आप मुझे नेट्स पे बॉल डालेंगे, तो जेमिसन ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं, और ड्यूक गेंद से अगर मैं आपको बॉल डालूंगा तो सीधा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ही। लेकिन जब आप यहां पर की बैटल्स की बात कर रहे हो, आपने जेमिसन और विराट की भी बात करी, एक बहुत की बैटल यहां पर ये भी है और वो है ट्रेंट बोल्ट वर्सेस रोहित शर्मा, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि रोहित शर्मा अंदर आती गेंद पर स्ट्रगल करते हैं, खासतौर पर लेफ्ट हैंडर्स को लेकर स्ट्रगल करते हैं और स्विंग वाली डिलीवरीज में भी काफ़ी वो तंग होते हैं। देखिए वो भी एक दोनों टीम से खेलते हैं, काफ़ी नेट में खेला होगा उन्होंने और इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं इंटरनेशनली भी एक दूसरे के सामने, तो ये बात तो है कि जो बॉडी ऑफ वर्क है जिसे कहते हैं ट्रेंट बोल्ट ने हर कंट्री में जाके सीखा है, एक्सप्रेस पेस नहीं है पर उनकी लेंथ जो बार बार बदलते हैं और उनके पास जो स्विंग है वो बहुत आड़े हाथों आती है, क्योंकि रोहित शर्मा कम फुटवर्क के खिलाड़ी हैं और टाइमिंग और टच के ज़्यादा विश्वास रखते हैं उस पर, तो उसमें जब जिसका फुटवर्क अच्छा ना हो इंग्लैंड में वो कई बार घूमती हुई बॉल पे, स्विंग होती बॉल पे फंसता है और ये ट्रेंट बोल्ट को पूरी तरह मालूम है। यहाँ ये छोटे छोटे बैटल्स ही हैं जो डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कौन जीतेगा। लेकिन अतुल भाई, टीम इंडिया ने एक दिन पहले ही यहाँ पर प्लेइंग 11 अपना अनाउंस कर दिया, अब लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है, कब बारिश खत्म होगी उसके बाद कंडीशंस कैसे होंगे पता नहीं, आपको लगता है कि एक दिन पहले से अनाउंस करना थोड़ा सा ट्रिकी है टीम इंडिया के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि एक ना ये सिग्नल भेजा है कि कई बार ये बताता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, हमें पता है कि हमारे मेन प्लेयर्स कौन से हैं, तो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ कई बार होती है और ये एक सिम्बॉलिक जेस्चर जो इंडियन टीम ने करा है। मुझे लगता है दो सवाल थे सिर्फ, एक हनुमा विहारी / जडेजा
और दूसरा था कि ईशांत की जगह सिराज का। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई शशो पंचता, पर मुझे लगता है मैच के बिल्डअप से पहले जो टीम मैनेजमेंट है ना वो नेट में हिसाब लगा लेती है कि कौन किस रिदम में है, और अगर लगता है कि नहीं ये नहीं चल पाएगा तो वो कॉल लेते हैं। पर मुझे लगता है कि पहले कॉल लेना बेटर है, क्योंकि खिलाड़ी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। मैच के सुबह आने तक आपको पता ना हो मैच नहीं खेल रहे, ये बड़ा डिसकंसर्टिंग है। जी हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से तैयार है टीम इंडिया, विराट भी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन फिलहाल मौसम जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि दोनों टीमें मैदान में उतरे। साउथहैम्पटन में फिलहाल लगातार बारिश हो रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।